अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है शारजा गिफ्ट मार्केट से। यहाँ पर हम आए थे कुछ डेकोरेशन का सामान लेने के लिए। जैसे कि आपको पता है, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मेरे घर में काम चल रहा है। मैं थोड़ा बहुत घर सेट करने का सोचा, तो उसके लिए कुछ डेकोरेशन पीस चाहिए थे। उसके लिए हम शारजा गिफ्ट मार्केट आए। यहाँ पर बहुत अच्छी ऑफर्स होती हैं, आपको बहुत 1 to 20 में आपको बहुत अच्छी हाउस होल्ड आइटम और ग्रॉसरी का और किचन का डेकोरेशन पीस ये सब मिल जाते हैं। मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई, लेकिन वो ना मेरे से डिलीट हो गई या पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने पूरे 7 मिनट्स की वीडियो बनाई थी आपको दिखाने के लिए, लेकिन वो मेरे से मिस हो गई। चलें, कोई बात नहीं, ये जो एक दो क्लिप है आप वही देखने। प्रॉपर तो नहीं दिखा सकूंगी, बाकी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी हाउस टूर पे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, इंशाल्लाह आप देखिएगा मेरे चैनल पर मेरा हाउस टूर। अभी तो मैं आपको दिखाऊँगी जो जो चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं। कुछ सामान मैंने लिया है ये शारजा गिफ्ट मार्केट से, कुछ मैंने लिया आइकिया से, कुछ मैंने लिया है कबायल सेंटर से। और जैसे कि फर्नीचर है वो आपने देखा था, पैन एमिर से, आइकिया से, और पैन एमिर, हाँ, होम बॉक्स से, सोफ़ा के लिए होम बॉक्स से। तो ये मेरा सामान है जो कुछ मैं लेके आई थी, आप देखें मेरी आज की शॉपिंग। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, अगर किसी को नहीं पता तो वो विज़िट करे। वहाँ एक दफ़ा आप इंटर हो जाओ तो आपको निकलने का ही दिल नहीं करता, दिल करता बंदा सब कुछ ही ले ले। अच्छी मार्केट है, पहले तो मुझे नहीं पता था इसका, फिर मैं जब एक दफ़ा गई हूँ तो अब उसके बाद मैं अपनी चीज़ें लिख के रख लेती हूँ, जो जो चीज़ें मुझे उधर से चाहिए हैं तो फिर मैं उधर से ही जाके लेती हूँ। थोड़ा दूर है शारजा में, हम दुबई में, लेकिन ये कि मैं चली जाती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन आपने मस्ट प्रेस करना है ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ आने वाले दिनों में बहुत अच्छी वीडियोज़ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं चाहती हूँ अब आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रुकिए, आप मत कहीं जाइए, मैंने पीछे ये क्लिप बोल के वॉइस ओवर मुझे नहीं करना पड़ा, बोल के रिकॉर्ड किया था, जिस वजह से मैंने बोल दिया कि आप जाइए, प्लीज़ आप मत जाइए। आप देखिए, मैंने ड्रैगन मार्ट गई थी और उधर से मैंने बच्चों की फिटेड बेड शीट्स ली हैं, ये मैंने किचन के लिए लिया है रैक, और कुछ स्पून लिए, मैंने स्पून चाहिए थे मुझे, ये मैंने फ्लोर स्टेनर लिया, और ये भी आप देखें। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ड्रैगन मार्ट हम गए थे रग लेने, हमने दोनों बेडरूम के लिए, बेडरूम और सॉरी हॉल के लिए हमने लिए रग। ये तो एक का तो मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया, दूसरे का नहीं कर सकी। फिर हम निकले थे आइकिया, हमने लेनी थी टेबल, तो पहले सोचा खाना वाना खा लिया जाए, क्योंकि घर के कामों में इतना कोई थक गए थे कि खाना नहीं बनाया गया मेरे से। तो यहाँ पर हम आए हैं अपना KFC, KFC ऑर्डर किया, मगरिब का टाइम था, सोचा गाड़ी में ही खा लें, उसके बाद जाएंगे हम इंशाल्लाह आइकिया। तो देखिए मैंने कौन सी टेबल ली है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ आइकिया का क्लिप। तो हम पहुँचे आइकिया, कोई 7 o'clock का टाइम था। तो यहाँ पर एक्चुअली चलना बहुत पड़ता है, तो बच्चे थक गए थे, थोड़ा रेस्ट होता है फिर चलते हैं, फिर रेस्ट होता है, सभी यही करते हैं। यहाँ पर देखें आपको फर्नीचर सेट करके दिखाते हैं पूरे, आगे मैं आपके साथ वो भी क्लिप शेयर करूँगी। पूरे आपके हॉल के अकॉर्डिंग बेडरूम सेट, आपका किड्स रूम, आपका स्टडी टेबल, सब कुछ एडजस्ट करके, आपका ड्राइंग डाइनिंग एडजस्ट करके आपको बताते हैं, सब चीज़ें लगा के, ताकि आपको जो चीज़ जिस तरह से अपने रूम के अकॉर्डिंग लेनी है आप वहाँ से उस रूम को देख के डेकोर कर सकें। ये वाली कह रहे हैं ना आप, इधर आए, ये ले लें इसको फिक्स करने के लिए। ये देखें, ये जो इसका वो है ना नीचे, ये मूव नहीं करेगा फिर नीचे लगता है ये, बल्कि ये मुझे लैंप के लिए भी चाहिए। यस बेटा, वेट जी, ये कितनी बड़ी टेबल है जी, 125 125, हाँ। ये लेनी है? नहीं, जो पसंद आई है वही लेनी है जी बेटा। वाह, प्रेस करो,
ये देखना भाई का हाथ ना आ जाए। वाओ गुड, कम हियर बेबी। या देखिए आपको ड्राइंग रूम के हिसाब से इन्होंने इस तरह से सोफे लगा के, कर्टन लगा के, पूरा टेबल मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको डेकोरेट करके यूज दिखाते हैं। इसी तरह आगे बेडरूम भी इन्होंने मतलब दिखाया होता है कि आप वहाँ से आपको आइडिया हो जाए कि ये टेबल लेनी है, इतना रूम है, इतना साइज़ है। इवन इन्होंने साइज़ भी लिखे होते हैं रूम के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से कर्टन लगाएं आप, इस तरह से चीज़ रखें वॉल क्लॉक और डेकोरेशन पीस, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारा आइडिया हो जाता है यहाँ से कि अगर आपका रूम छोटा है उस हिसाब से आपका कौन सा सोफ़ा और कौन सी टेबल फिक्स आएगी। तो आइकिया में बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, थोड़ा चलना ज़्यादा होता है लेकिन ये है कि अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हमें लेनी थी सिर्फ अभी इस टाइम पे टेबल ली मैंने, कुछ डेकोरेशन पीस लिए और ऊपर हमने जैसे ये हम आ गए हम नीचे वाले पोर्शन पे। ऊपर होता है कि आप चीज़ पसंद करके आए, उन्होंने सेट किया होता है, उधर से आप अपना नंबर जो है वो नोट करके आप नीचे आ जाएँ। यहाँ पर आपको फिर उसी लेन में जाके उसी नंबर के अकॉर्डिंग जो आप ऊपर से लेके आए हो, जो टेबल के ऊपर मेंशन था, आपको अपनी चीज़ खुद सर्च करनी पड़ती है, फिर वो आपको लेकर, ये इतनी सारे आप देख रहे हैं ना जैसे कार्टन पड़े, इनमें आपको वो सर्च करना है, वही कोड जो उन्होंने दिया होता है वो कोड सर्च करके आके अपनी चीज़ लेके और फिर उसका बिल करवाना पड़ता है। हाँ मुझे याद आ गया, मामा ने जी आपके साथ देखा था, मामा ने यहीं पे ढूंढ रहे थे आइकिया में। I want to shape this one. It's a glass item. Glass. Yeah. How can I shape that? Maybe it will broken. I want to check that one. Show me. Look. Cute. और हमको ये पसंद आ गए। Candle. कैंडल इधर नहीं है, आओ अनबॉक्सिंग होने लगी है, आओ चलते चलो आओ देखते हैं। अब ये जोड़नी कैसे है इसका, वो कार्ड होगा साथ, देखें ग्लास है बिल्कुल। इब्राहिम हटो बेटा, कहाँ क्या पूरा Thank you, sir.